और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 2025 में होने वाले कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके कारण प्रयागराज में भी काफी पर्यटकों के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने माघ मेले की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के बारे में भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पेयजल समेत कल्पवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। साधु संत और कल्पवासी पर्यटक किसी को भी यहां परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की यहां व्यवस्था की जाए। महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहां की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा, खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ।